भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है, हमारे साथ लोहारू से विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस समय मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दलाल साहब, ये जो तिरंगा यात्रा निकाली है, किस तरह का समर्थन जो है किसानों को मिला है? कार्यक्रम बनाए हमारा ये पखवाड़ा 114 तारीख का 90 के 90 हलकों में तिरंगा यात्रा निकलेगी और लोहारू क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि उसको ये पहला कार्यक्रम मिला। और मैं नमन करता हूँ अपने क्षेत्र के किसानों के जिन्होंने हजारों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पर ढोल नगाड़ों के साथ देशभक्ति के गीत गाते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाल कर मुझे भी आशीर्वाद दिया, मेरी पार्टी को आशीर्वाद दिया और शहीदों को नमन किया। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है राशि वितरित की गई थी देश के किसानों को, प्रदेश में भी की गई थी, अब प्रदेश में कुछ और देश में कुछ नोटिस जो है वो भेजे जा रहे हैं उन राशि को वापस लेने के लिए, कहाँ तक वो प्रक्रिया चली? क्योंकि आपसे पहले भी जो है हमने बात करी थी, कहाँ तक वो पहुँची? पहली जो किस्त थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, वो बगैर वेरिफिकेशन के किसानों के खाते में डाल दी गई थी और कुछ किसानों को ये राशि जो इसके पात्र नहीं थे उनको मिल गई थी। बाद में उनकी राशि दूसरी किस्त तीसरी किस्त में नहीं काट दी गई थी और अब ये नोटिस दिए गए कि रिफंड करवाया जाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से प्रार्थना की है कि भाई जो एक बार राशि चली गई है उसको रिफंड ना लिया जाए। एक मेरा पानी मेरी विरासत के तहत एक जो रकवा है धान का वो कम करने की विचार था, उसको लेकर सब्सिडियां भी दी जा रही थी, कहाँ तक पहुँची? हमारे मुख्यमंत्री जी ने नीतियाँ बनाई हैं, चाहे वो माइक्रो इरीगेशन की हो, चाहे वो धान को कम करने की हो या कम पानी जिस फसल में लगे उसकी तरफ डाइवर्सिफाई करने की हो। और इसी लिए जो किसान धान छोड़ के दूसरी फसल लगाएगा उसको 7,000 रुपये देने का वायदा किया, जो DSR विधि से करेगा उसको 5,000 रुपये देंगे और जो मूंग की खेती करेगा उसको 4,000 रुपये देंगे और जो माइक्रो इरीगेशन अपनाएगा उसको 85% सब्सिडी देंगे। हमारे जो दायित्व है वो आने वाली पीढ़ी के प्रति भी है। मुख्यमंत्री जी इस चीज़ के प्रति बहुत ही संजीदा है और उसका परिणाम भी अच्छा निकल रहा है, किसान इस चीज़ को धीरे धीरे करके फॉलो कर रहे हैं। धमकी भरी जो कॉल है वो पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री को आती है, उसके बाद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके नाम पर भी ये धमकी भरी कॉल आ रही है, किस तरीके से देखते हैं इस कॉल को? देखिए, हमारी केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश सरकारें इस तरह की अलगाववादी ताकतों से मुकाबला करने में सक्षम है। हम समझते हैं कि ये ताकतें हमारे देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम एक बढ़ता हुआ देश है, हम सारा राष्ट्र एक है और ये ताकतें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। जी धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल थे, जिनका यही कहना है कि उनको जो समर्थन है वो तिरंगा यात्रा में वो किसानों को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो राशि वितरित की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, तो उनको जो है वापस ना लेने का आग्रह जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात करी है केंद्रीय कृषि मंत्री से। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रोक्स चौधरी, MSN प्राइम।